नारायण 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 नारायण। तो हम लोग अपना सत्संग शुरू करते हैं। गुरु हमें एक बात बताते हैं कि हम सब लोग खुश रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा स्वरूप जो है वो सत चित आनंद स्वरूप है। तो हमारा स्वरूप ही सत चित आनंद स्वरूप है तो हम दुखी नहीं होना चाहते। ज़रा भी जीवन में दुख आता है तो हमें बुरा लगता है, हमारे समय सुखी रहना चाहते हैं पर हो नहीं पाते। क्यों? गुरु कहते हैं कि सुखी होने के लिए हमें पहले तो ये मानना पड़ता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, मैं संसार का नहीं हूँ। देखिए, संसार की तरफ मुख करेंगे, संसार का ज़्यादा सोचेंगे, संसार की बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे तो दुखी सुखी होते ही रहेंगे, सुखी दुखी होते ही रहेंगे। पूर्ण सुखी नहीं हो सकते, पूर्ण सुखी तो खैर है कोई होता ही नहीं है, पर काफ़ी हद तक खुश नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि संसार में अप डाउन चलता ही रहता है, संसार में विपरीत परिस्थिति आती ही रहती है। तो गुरु कहते हैं पूर्ण सुखी होने के लिए या काफ़ी हद तक सुखी होने के लिए चाहिए हमारी दृष्टि भगवान की ओर हो। जैसे पिछली बार बताया था, अंधेरा माने संसार और प्रकाश माने भगवान। अब अंधेरे में हम जाएंगे, है ना, अंधेरे में जाइए, आपकी लाइट चली जाती है तो आप जाइए तो ठोकर ही ठोकर खाएंगे, और प्रकाश में जाएंगे तो हर चीज़ सुखद है। तो प्रकाश हमें सुख देता है, ठीक है ना। प्रकाश, जहाँ प्रकाश है, प्रकाश क्या है? ज्ञान। प्रकाश क्या है? भगवान से अपनापन, गुरु के प्रेजेंस को, भगवान के प्रेजेंस को फील करना। और अंधेरा क्या है? संसार में मार इच्छाएं, मार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मार वासनाएं, ये सब अंधेरा है। तो जितना संसार में कुछ कर बनना चाहेंगे, करना चाहेंगे, संसार को चाहेंगे, संसार में एक्सपेक्टेशंस करेंगे, राग द्वेष करेंगे, उतना दुखी रहेंगे। तो हमारा स्वरूप तो सुख स्वरूप है पर होते हम दुखी हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि, हमारी पकड़ गलत है। पकड़ना चाहिए भगवान को, पकड़े रहते हैं हम संसार को। पकड़ना चाहिए राग द्वेष रहित समता के व्यवहार को, पकड़ते हैं हम राग द्वेष और इच्छा अहंकार को। अब एक बात और है कि देखिए, पूर्ण अच्छा तो कोई हो नहीं सकता, और हम सब किसी को सुखी नहीं कर सकते। जैसे गुरु ये बात बताते हैं कि हम, कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाव भवेत्। सबका दुख दूर हो, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो। तो क्या हम किसी को पूर्ण सुखी कर सकते हैं? आप करोड़ों रुपए दे दीजिए पर आप किसी की भलाई नहीं कर सकते। कर सकते हैं, उसकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। आप कितना भी दे दीजिए और कितने भी लोगों को कितना भी दीजिए, आप पूर्ण भलाई नहीं कर सकते। ये बात बहुत समझने की है, और बार बार समझने की है, और बार बार अपने को बताने की, कि पूर्ण अच्छा ही हम कभी नहीं कर सकते। पर हम बुराई का त्याग करते हैं तो हम सर्वथा अच्छे हो जाते हैं। बुराई का त्याग क्या है विशेषकर? बुराई का त्याग है कि मेरी वजह से किसी को दुख ना मिले। बुराई का त्याग क्या है? कि मेरी वजह से कोई दुखी ना हो, मेरी वजह से किसी को दुख ना हो। तो अगर जैसे कभी भी हमारे भाव खराब हो रहे हैं, हमारा मन खराब हो रहा है, और कोई किसी ने हमको थोड़ा दुख दिया है, हमसे काफ़ी उल्टा चलाया, बार बार वही चीज़ करता आ रहा है, तो हमारा मन उसके प्रति खराब हो जाता है। तो देखिए, बार बार देखिए कि मेरी वजह से कोई दुखी ना हो। डरते रहो ये ज़िंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। तो डरते रहो ये ज़िंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। तो किसी भी जीव को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु, घटना, परिस्थिति, किसी भी जीव, जीव में सब आ जाते हैं, 84 लाख की उंगलियाँ, किसी का को भी हम हमारी वजह से दुख ना मिले। अगर आपका भाव ऐसा हो जाता है कि कोई मुझसे दुखी ना हो, तो आप पूर्ण अच्छे हुए। अच्छाई करने चलेंगे तो अच्छे नहीं होंगे, पर कोई मैं किसी को दुख ना दूं,
मेरी वजह से कोई दुखी ना हो, ये हम सब कर सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि मेरी वजह से किसी को दुख ना मिले, कोई दुखी ना हो। और जो किसी को दुख नहीं देता है, खास बात है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो किसी को दुख नहीं देता है तो उसके घर में अन्न, वस्त्र, जल, पैसे, किसी चीज़ की कमी नहीं होती। जो किसी के लिए गलत भाव नहीं रखता, किसी को दुख नहीं देता, भगवान को सदा याद रखता है, शुक्राना मानता है, तो उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। और उसको देखने मात्र से सबको शांति मिलती है, है ना, उसको देखने से सबको शांति मिलती है। तो हम भी चाहते हैं हमारा जीवन ऐसा हो कि हम खुद भी शांत रहें और हमसे सबको शांति मिले। देखिए गौतम बुद्ध तो जब चलते थे तो उनके 80 किलोमीटर के वाइब्रेशन में कोई भी, मतलब उनका ऑरा ऐसा था कि सबको शांति मिलती थी 80 किलोमीटर। और चैतन्य महाप्रभु जंगल में चलते थे तो कितने जीव, सारे जीव नाचते थे, हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए चलते थे। तो कितना इन लोगों के वाइब्रेशन स्ट्रांग होते हैं, इनके भाव कितने स्ट्रांग होते हैं, सबके प्रेम, सबको प्रेम देने के कितने स्ट्रांग इनके भाव होते हैं। और हम देखें हमारे भाव कैसे हैं, तो हम भी अपने भाव इतने शुद्ध रखें, इतने प्रेम में रखें, इतने डिवाइन रखें। और ये भाव तो हम सबको होना चाहिए कि मेरे से कोई दुखी ना हो। देखिए हमारे हाथ में तो नहीं है, मीरा ने तो किसी को दुखी नहीं करा, तो फिर भी लोग उससे दुखी होते थे। तो फिर हम, हमारी तरफ से भी हमारा भाव नहीं है ना किसी को दुखी करने का, बस ठीक है। अच्छा हम लोग प्रश्न उत्तर, थोड़े काफी सारे प्रश्न आए हुए हैं तो प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। गोपमुख से सुना है कि हर पल हमें भगवान का शुक्राना करना चाहिए, परंतु गुरुजी विपरीत परिस्थितियों में शुक्राना करना बड़ा कठिन लगता है, मन में नेगेटिविटी आने लगती है, कृपा मार्गदर्शन करें। गुरु कहते हैं कि शुक्राना मानना तो सबसे बड़ी दवा है, सबसे बड़ी दवा। शुक्राना तो हर हाल में मानना चाहिए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए। देखिए तीन ही परिस्थितियाँ होती हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक शरीर पे कष्ट आता है, आदि दैविक कोई प्रकोप हो जाता है, पैसे का नुकसान हो गया, आग लग गई, बीमारी आ गई, जैसे ये कोरोना वायरस आया है, ये आदि दैविक प्रकोप है। और आध्यात्मिक संबंध के, मन में हमारे राग द्वेष, मन से सुखी दुखी होना, ये आध्यात्मिक ताप है। तो ये तीनों ताप, ये तीनों परिस्थितियाँ जीवन में आती रहती हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है दुनिया में जिसके ऊपर ये परिस्थिति ना आए। कुछ ना कुछ आप देखिए जीवन में हर समय कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ हमको लगता है अब सब ठीक हो गया, दूसरे पल को किसी का मूड ऑफ हो जाएगा, हमारे शरीर में कोई तकलीफ हो जाएगी, कहीं से कोई फ़ोन आ जाएगा, कोई ऐसी मतलब वो कर देगा, एक्ट कर देगा या हरकत कर देगा कि हमें हमारा मन खराब हो जाएगा। ये तो सब दुनिया है, ये तो कुछ ना कुछ चलेगा ही, ये तो लीला है भगवान की, यहाँ पूर्ण अनुकूलता तो हो ही नहीं सकती। तो जैसी भी परिस्थिति है उसमें एक तो मेन बात है हम अपना भजन करें और अपना ध्यान भगवान की ओर रखें और अपनी तरफ से किसी को दुख ना दें। अब देखिए शुक्राना तो हम हर पल मान सकते हैं, शुक्राना गुरु कहते हैं। देखिए सबको सबसे ज़रूरी जीने के लिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सबको फ्री मिल रही है, उसके पैसे देने पड़ते और कुछ कोशिश नहीं करती ऑक्सीजन को प्राप्त करने की, कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, कितने शुक्राने। ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों के लगे रहते हैं, देखिए हॉस्पिटल में जाइए वो लगे रहते हैं, मुँह पे मास्क लगा रहता है, ऑक्सीजन मास्क। और हम देखिए हम आराम से सांस ले रहे हैं, कितने शुक्राने हैं भगवान के। दिल धड़क रहा है, कितने शुक्राने हैं। खाना पच रहा है, कितने शुक्राने हैं। हम जी रहे हैं, आई एम अलाइव, कितने शुक्राने। कितने लोग आज मर गए। हिंदुस्तान में कितना सूर्य चमकता है, रोज धूप निकल आती है, विदेश के कंट्रीज में तो जिस दिन वो सन निकलता है, सूरज निकलता है, उस दिन सेलिब्रेशन की जाती है। तो हम स्वस्थ हैं, हम खा पी सकते हैं, हम देखिए शौच और यूरिन आ जाती है, तो कितने शुक्राने,
कितने लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, उन्हें शौच नहीं होती, मोशन नहीं होता। तो अगर आप देखें तो कितनी चीज़ें हमारे पास, अपना घर है रहने के लिए, चाहे किराए का है चाहे अपना है, घर है रहने के लिए कितने शुक्राने, बच्चे हैं हमारे पास कितने शुक्राने, हमारे पास पैसा है हम खा पी सकते हैं कितने शुक्राने। तो अगर आप मानने चलें तो इतने शुक्राने, इतने शुक्राने, इतने शुक्राने कि इसकी कोई अंत नहीं। तो जब भी मन कुछ नेगेटिव हो तो शुक्राने काउंट करना, करने लगा करिए कि भगवान कितने शुक्राने, कितने शुक्राने, कितनी कृपा है आपकी। जैसे हमारे सत्संग में आता है, दादा भगवान के एक व्यक्ति था, तो उसने आके कहा दादा भगवान मेरे आँख जो है वो एक आँख की रोशनी चली गई। दादा भगवान ने कहा शुक्राना मानो दूसरी तो है। उसको बहुत बुरा लगा, तो उसने कहा ये भी कोई गुरु है। पर उसके सामने एक और आदमी व्यक्ति था एक और, तो उसकी दोनों आँख चली गई थी। तो उसने कहा, अब तब उसको याद आया कि दादा भगवान ने कहा शुक्राना मानो। एक हड्डी टूट गई शुक्राने, जैसे मेरे एक उल्टे हाथ की हड्डी टूट गई थी, हाथ की फिसल गए थे, तो गुरु भगवान ने यही कहा शुक्राना मानो, सीधे हाथ की नहीं टूटी, शुक्राना मानो कोई बड़ी हड्डी नहीं टूटी। कोई नुकसान हो गया शुक्राना, शरीर तो स्वस्थ है शुक्राना, कितनी और परिस्थितियाँ तो ठीक हैं, सब परिस्थितियाँ तो उल्टी नहीं हैं। तो अगर हम शुक्राना मानना चाहें तो हर परिस्थिति में शुक्राना मान सकते हैं, हर हाल में शुक्राना मान सकते हैं। हर हाल में जो दादा का शुक्र मनाते हैं उनके घर में होती खुशियों की बरसाते हैं। एक व्यक्ति था तो उसका काफ़ी लॉस हो गया था, काफ़ी कुछ चला गया था उसका, सभी कुछ चला गया था। तो वो गुरुजी के पास जाता है, कहता है गुरुजी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा, तो मैं किसका शुक्राना मानूं। उन्होंने कहा तुम्हारा घर तो है अपना? उन्होंने कहा हाँ। बोले पत्नी तो है? बोले हाँ। बोले लविंग चिल्ड्रेन तो है? बोले हाँ। बोले पैसा ही तो गया ना? फिर उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं बचा। गुरु जी का अच्छा चलो, एक और आदमी था उससे वो भी कहने लगा मेरे पास कुछ नहीं है, भिखारी टाइप था। तो गुरु जी ने कहा अच्छा चलो ठीक है, अपने दो हाथ दे दो मुझे, मैं तुम्हें 1 करोड़ 10 करोड़ रुपए देता हूँ। बोला वो तो मैं नहीं दे सकता। बोले अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारे पास 2 किडनी है, 1 किडनी दे दो, मैं तुम्हें 50 लाख रुपये देता हूँ। बोला वो तो नहीं दे सकता। तो ऐसे गुरु जी बोले एक आँख दे दो, अच्छा चलो तुम्हारे पास 2 आँखें हैं। बोले वो तो नहीं दे सकता। बोले उसके मैं तुम्हें देता हूँ 25 लाख। तो बोले करोड़ों का तो तुम्हारा मनुष्य शरीर है, जो भगवान ने तुम्हें चलती फिरती मशीन दी है मनुष्य शरीर, करोड़ों का तो ये है, इसका शुक्राना मानते हो? इसका भी तो हम शुक्राना नहीं मानते कभी, इसको बिगाड़ते और रहते हैं उल्टा सीधा खा के। इसको कहते हैं ना डोंट अब्यूज़ योर बॉडी। डोंट अब्यूज़ योर बॉडी का क्या मतलब है कि इस शरीर को ख़राब ना करें। मार चाय कॉफ़ी और गलत सलत चिप्स बिस्किट, जितना भी ये हम ख़राब खाना खाते हैं ना, ये सब हमारी बॉडी को ख़राब करता है। आजकल रिसर्चेस कह रही हैं और काफ़ी वीडियोस भी आ रहे हैं कि जितना हम ज़्यादा फल और सब्जियां खाएंगे, है ना, हरी सब्जियां आजकल बहुत आ रही हैं, हरी सब्जियों का एक मील में एक हरी सब्ज़ी ज़रूर होनी चाहिए, कितनी गाजर मूली पालक चुकंदर पर्पल पत्ता गोभी, ये सब की सैलेड बनाइए और खाइए। आजकल अमरूद केला पपीता सेब कितने फल आ रहे हैं, तो जितना आप हरी सब्जियां और फल और सब सैलेड वगैरह खाते हैं, कच्ची चीज़ें खाते हैं, तो ये सब लाइव फूड है, लाइव। तो ये आपको बहुत न्यूट्रिएंट्स देता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देता है, और आप हमेशा एक्टिव और अलर्ट रहेंगे और ये आपका शरीर भी स्वस्थ रहे। तो गुरु कहते हैं कि ये सब चीज़ें आप खाइए, तो और अब ज़्यादा आपसे चपता नहीं है तो बारीक कर करके उसको खाइए, बारीक बारीक कटवा लीजिए घिसवा लीजिए। तो हर हाल में हमें शुक्राना मानना है, कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है जिसमें हम शुक्राना नहीं मान सकते। एक बार हनुमान प्रसाद पोद्दार के सामने की बात है कि उनके यहाँ उन्होंने 18 कुटियाँ बनवाई थी जिसमें आग लग गई। उन्होंने जो लोगों ने बताया वहाँ आग लगी, तो उन्होंने कहा अच्छा जल्दी जल्दी वो लाओ रोली चावल लाओ। उन्होंने कहा कि भगवान आए अग्नि के रूप में,
और सब बच गए, किसी को कुछ नहीं हुआ। कैसे कुछ नहीं हुआ? भगवान जो है उन्होंने रक्षा की, उन्होंने अग्नि में भी भगवान देखे। हमारे हमको जरा कुछ हो जाए तो हम एकदम परेशान हो जाते हैं, क्यों भैया क्यों? भगवान का हर विधान मंगलमय है, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। भगवान की हर परिस्थिति हमें सिखाने के लिए आती है। चिड़िया वाला दृष्टांत हम सब ने सुना है, कई बार सुना है। ये चिड़िया थी, उसके पास डेजर्ट में थी वो, तो उसमें पंख भी नहीं थे, पीने के लिए पानी भी नहीं था, कोई पेड़ भी नहीं था, बहुत ही उसके बुरे हाल थे, खाने के लिए भी कुछ नहीं। तो एक परी जा रही थी, तो उसने कहा कि मेरी ये स्थिति कब तक रहेगी, भगवान से पूछ के आइएगा। तो भगवान ने कहा 7 जन्म तक ये ऐसी रहेगी। तो उसने कहा कि अगर मैं इससे ऐसे कहूँगी तो ये दुखी हो जाएगी, मर जाएगी बेचारी। तो उसने कहा कि भगवान ने ये कहा है कि तुम हर हाल का शुक्राना माना करो, तो तुम तो तुम्हारे पर। उसने कहा अच्छा ठीक है, वो शुक्राना मानने लगी वो चिड़िया। उसने कहा भगवान मैं जिंदा तो हूँ शुक्राना, मैं देख सकती हूँ शुक्राना। फिर उसने देखा कि थोड़ी सी उस दिन थोड़ी बारिश हुई या थोड़ा सा पानी मिल गया उसको पीने के लिए। तो उसने कहा भगवान कितने शुक्राने, पानी तो मिला। ऐसे करके एक ही जब शुक्राना मानती गई, शुक्राना मानती गई, मानती गई, मानती गई, तो 7 दिन बाद परी फिर से वहाँ से गुजर रही थी। तो देखा उसने कि वहाँ तो पानी भी है, चिड़िया भी स्वस्थ है, पेड़ हरा भी निकल आया है वहाँ पे। तो उसने कहा अरे ये तो भगवान ने कहा 7 जन्म में ये सुधरेगी नहीं, इसका जीवन सुधरेगा नहीं, ये तो इसका जीवन तो पूरा बदल गया। तो उसने कहा ये कैसे? बोले आप ही ने कहा था ना शुक्राना मानो, तो शुक्राना मानने से पूरी परिस्थिति बदल जाती है, जीवन बदल जाता है, विपरीत परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है। तो ये मत सोचिए कि हर परिस्थिति में शुक्राना कैसे माने, शुक्राना मानते रहिए। फिर एक बात देखिए, हम एक बात अगर ध्यान दें तो 90% चीज़ें हमारे जीवन में पॉजिटिव होती हैं, 90%, और 10% चीज़ें नेगेटिव होती हैं। तो उन 90% का तो हम शुक्राना मानते नहीं हैं, जो 10% नेगेटिव है उन्हीं पे फोकस करते रहते हैं। तो प्लीज़ अपने से कहिए प्लीज़ फोकस ऑन द 90% विच इज़ अनुकूल, विच इज़ अकॉर्डिंग टू यू, एंड डोंट फोकस ऑन द 10% विच इज़ प्रतिकूल। ठीक है, तो 90% तो हमारे जीवन में सब ठीक ही होता है। फिर गुरु कहते हैं कि अपने से नीचे वालों को देखें। कितने लोग हैं देखिए उनको खाने को नहीं मिलता। हमारे यहाँ एक मतलब दो जने सेवा में हैं, तो कह रहे थे कि हमारा पहले बिजनेस था अच्छा खासा गांव में, तो बिजनेस ख़त्म हो गया तो हम लोग शहर आ गए, तो हमने ऐसी भुखमरी देखी है कि बच्चों को रोते हुए बिना खाने के तड़पते हुए देखा है। हमें गुरु जी की यहाँ सेवा मिल गई, अब ठीक से हम रह पा रहे हैं, खाना खा पा रहे हैं दोनों टाइम। देखिए ऐसे ऐसे लोग होते हैं उनके पास खाने को भी नहीं होता, बच्चे भूखे सो जाते हैं। अपने से नीचे वालों को देखें ना तो हमें शिकायतें नहीं होंगी। हम हमेशा अपने से ऊंचे वालों को देखते हैं तो हमें लगता है अरे उसके पास तो इतना है, उसके पास तो इतना है, उसके पास तो ये है, मेरे पास कुछ नहीं। फिर गुरु कहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ कुछ प्रेमी लोग रहते हैं, तो गुरु ने कहा कि भाई पहले गुरुजी ने उनको, वो अकेले रह रहे थे फ्लैट में, तो कहा उनको बुलाया तो तब भी वो अकेले थे तब भी खुश नहीं थे। फिर यहाँ बुला लिया सबके साथ रहने के लिए, तब भी खुश नहीं थे। फिर वापस भेज दिया किसी कारणवश, फिर भी अकेले थे, फिर भी खुश नहीं थे। तो अगर हम अपने मन को देखें तो किसी सिचुएशन में खुश नहीं होना चाहता, किसी सिचुएशन में वो खुश नहीं है। अगर वो किसी सिचुएशन में खुश नहीं है, इसका मतलब कि हमें ईगो ज़्यादा है। अगर हम किसी सिचुएशन में खुश नहीं होना चाहते, दैट मीन्स हमारी ईगो बहुत बड़ी हुई है। इसलिए गुरु कहते हैं हर हाल में शुक्राना माने। राधा दीदी नेक्स्ट। मन तो चलता ही रहता है और भजन भी होता ही रहता है, इस चंचल मन से अलगाव कैसे करें, कैसे भगवान से प्रेम बढ़ाएं? देखिए हमारा जो महामंत्र है ये तो हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, तो इसका तो हमें इतना शुक्राना मानना चाहिए, इतना ब्लेस्ड फील करना चाहिए कि हमें भगवान का नाम मिला। क्योंकि कलयुग नाम आधारा,
सुमिर सुमिर नर उतरे ही पार। कलयुग जो है वो नाम आधारा है, जितना हम भगवान का नाम लेंगे उतना हमें सरलता से हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे, और ये हमें इतनी शक्ति देगा कि हम हर हाल में पॉजिटिव रह पाए। अब देखिए लोग सब लोगों का ये बहुत ज़्यादा प्रश्न है कि मन चलता है और भजन भी चलता है, तो देखिए मन तो एक नॉइज़ मशीन है, इसको इसमें जो कुछ हमने संसार में देखा है सुना है वो फीड है, तो ये उसको रिपीट करता है, इसका नाम ही है फॉल्स एग्जैजरेशन एंड रेपिटेशन। मन का क्या नाम है, रिपीट करता है बातों को और एग्जैजरेट करता है, बार बार वही बात लाएगा, वही भाई आप नहीं सोचना चाहते फिर भी लाएगा, तो क्या करें, ध्यान ना दें इसकी और अपना भजन करते रहें, इस मन की तरफ ध्यान ना दें, इससे जैसे हमारे ज्ञान में पॉइंट आती है इस मन से अलगाव करें। कोई बात ही बार बार रिपीट कर रहा है, हम नहीं सोचना चाहते, बार बार मन चल रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो कहिए आई एम नॉट द माइंड, आई एम द ऑब्जर्वर ऑफ द माइंड, आई एम नॉट द माइंड, मैं मन नहीं हूँ, मैं मन को देखने वाला हूँ, रिपीट कर रहा है करने दीजिए, इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, कहिए अपने अपने को बार बार कि मैं मन नहीं हूँ, मैं मन को देखने वाला हूँ, मैं मन को जानने वाला हूँ। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम महामंत्र बोल रहे हैं तो मंत्र बोल रहे हैं उसके साथ मंत्र को सुनिए भी, कैसे, अपने कानों से, खुद मंत्र बोल रहे हैं खुद ही कानों से सुनिए, तो पूरा ध्यान आपका उसमें लगा रहेगा। फिर भगवान की प्रेजेंस को फील करिए, भगवान की प्रेजेंस को फील करिए कि भगवान मेरे सामने है, भगवान को मैं उनका नाम ले रहा हूँ जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, मेरे प्राणनाथ हैं, मेरे प्रियतम हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, वो मेरे सामने बैठे, वो मेरे अपने हैं, वही मेरे जीवन का लक्ष्य है, वही मेरे वही सब कुछ है, उन्हीं के कारण तो मैं जी रहा हूँ, उन्हीं के कारण तो मेरी सांस चल रही है, सब कुछ तो उन्हीं से है। तो फिर जब हम भगवान के लिए बैठते हैं तो हमारे मन में भी शांति आती है और हम पूरी दुनिया को शांति देते हैं। और जब हम महामंत्र बोले तो कहते रहे बीच बीच में, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हैं, हे नाथ आप मुझे प्यारे लगे, मेरा तन मन प्राण मेरी रति मति गति मेरा सब आप में लगे, सब आप में लगे भगवान जी, सब आप में लगे। प्रेयर भी करते जाएं, जब भी करते जाएं, भगवान से बातचीत भी करते जाएं, जब भी करते जाएं, पूरे हृदय से जप करें। टॉप प्रायोरिटी भगवान को दें अपने जीवन में, भगवान ही मेरे जीवन की टॉप प्रायोरिटी है, और चीज़ों की तरफ ध्यान मत दें, मन चल रहा है उसकी तो ध्यान ही मत दीजिए, अगर फिर भी आपका बहुत मन चलता है तो गुरु कहते हैं कि वाणी बजा के जप करिए। फिर दूसरी बात और बताई कि जैसे एक मजदूर अपना काम करता है ना, तो मन भी चल रहा है तो उसका काम नहीं होता, काम हो जाता है। आप खाना बनाती हैं तो आपका काम, आपका मन चलता है तो खाना नहीं बनता, तो भजन तो हो रहा है ना, और जब आप भजन करते हैं तो आपके कितने पाप कटते हैं, है ना, जब भजन करते हैं तो कितने पाप कटते हैं आपके, तो भजन की तो कोई महिमा ही नहीं है। मैं अपने जीवन में भी देखती हूँ भजन का बहुत बहुत लाभ। कोशिश करिए कि महामंत्र हर समय चलता रहे, जितना महामंत्र करेंगे चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते चलता ही रहे भजन, इससे मन वश होता है, मन मरता है, संकल्प विकल्प कम होते हैं, संसार से हमारा मन हटता है, भगवान से प्रेम बढ़ता है। जो मन चल रहा है उसकी तरफ ध्यान ना दें और अपना भजन करते रहें। दूसरा प्रश्न दीदी, भगवान जी ना चाहते हुए भी भय की वृत्ति आ जाती है, भय से कैसे ऊपर उठें, निर्भय कैसे बने, कृपा मार्गदर्शन करें। ना चाहते हुए भय की वृत्ति आ जाती है, तो गुरु कहते हैं देखिए ये मन में डर आता है, पर आप बार बार अपने से कहिए कि भैया मैं तो भगवान का बच्चा हूँ। जब बच्चा डरता है तो क्या करता है, मम्मी गोदी में जाके बैठ जाता है ना, तो हमें जब डर लगे अपने भगवान जी गोदी में जाके बैठ जाए, झट मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, भगवान हर पल मेरे साथ है। गुरु की प्रेजेंस को फील करें, गुरु मेरे साथ हैं ऐसा फील करें और भगवान जी की गोदी में जाकर बैठ जाए। फिर भगवान के प्रति विश्वास और समर्पण, बार बार अपना भगवान के प्रति विश्वास और समर्पण पक्का करें
कि भगवान का हर विधान मंगलमय है, और डरने की क्या बात है, अधिक से अधिक क्या होगा, शरीर नहीं रहेगा ना, अधिक से अधिक क्या होगा। होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, अपने मन को दिखा दें ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा। डरे नहीं, भजन करें, भगवान पर विश्वास रखें, और अंदर में ये धारणा बनाएं कि भगवान का हर विधान मंगलमय है। और निर्भय, जैसे गुरु कहते हैं ना, निर्भय हो भजो भगवान, तो हमें निर्भय होना है। और अगर भय आता भी है तो उसकी तरफ ध्यान ना दें, भगवान मेरे साथ हैं, भगवान मेरे अपने हैं, इसकी तरफ ध्यान दें। प्रश्न है, भगवान जी मैं किसी के साथ कितना भी अच्छा करूं, सामने वाला हर कार्य में मेरी कमी ढूंढ लेता है, मुझे बहुत डाउन फील होता है, कृपया बताएं क्या करें। देखिए ये तो अक्सर घरों में होता है, बहुत से लोगों के पति ऐसे होते हैं, हर समय क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं और वाइफ को कुछ नहीं समझते। कुछ घरों में माएँ बच्चों को बुरी तरह कर देती हैं, कुछ घरों में सासें बहू को बुरी तरह कर देती हैं। तो ये एक्चुअली बहुत घरों में होता है, इट इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम। सखू भाई की कहानी हम सब लोगों ने सुनी है, कितनी बुरी तरह सब उसको करते थे, पति भी, सास भी, ससुर भी, सब कितनी बुरी तरह करते थे, पर सबकी, उसने भजन नहीं छोड़ा, उसने भगवान से प्रेम नहीं छोड़ा, तो सबकी बुद्धि बदल गई। तो जितना घर में उल्टा चलते हैं लोग, कुछ कुछ कहते हैं, तो हम देखें कि भगवान हमसे चाहते हैं कि हम उनकी तरफ मुड़े, हम उनसे प्रेम करें, और हम अपना भजन ना छोड़ें, हम भगवान से प्रेम करें, हम भगवान से प्रेम बढ़ाएं। तो अच्छा, फिर सबके लिए शुद्ध भाव रखें, कोई कितना भी डाउन फील कराए, सबके लिए शुद्ध भाव रखें, और ये अपनी नेचर को भी ऑब्जर्व करें, अपने भावों को भी ऑब्जर्व करें, मेरे भाव ठीक है, मेरा स्वभाव ठीक है, मेरी तो कोई कमी नहीं है जिससे वो इरिटेट होते हों, उन्हें अच्छा ना लगता हो, मेरे में क्या कमी है। अपने स्वभाव को सुधारें, हम खुद मेहनती बने, हर समय भगवान को याद रखें, और फिर जो हमको डाउन फील करा रहे हैं उनके लिए बहुत सारे शुद्ध भाव भेजें, रोज़ सुबह उठकर उनके लिए शुद्ध भाव भेजें कि मेरा तो आपसे बहुत प्रेम है, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो भगवान का रूप है, उनके लिए बहुत शुद्ध भाव भेजें। हम देखिए बाहर से तो अच्छे बनते हैं, बुरी तरह नहीं करते, बोलते नहीं हैं, पर देखिए हमारे भाव सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। शरीर से सूक्ष्म है वाणी, वाणी से सूक्ष्म है मन, तो मन के से जो हमारे भाव जा रहे हैं वो हमारे एक्शन से भी ज़्यादा काउंट करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम सेवा तो कर देते हैं, अपने भावों को चेक करो, तुम्हारे भाव कैसे, तुम सेवा तो कर रहे हो और तुम्हारे भाव खराब है, तो उस सेवा का फल नहीं मिलेगा तुम्हें। तो कोई कितना भी हमें डाउन फील कराए, हम अपना भजन करते रहें, हम ध्यान ना दें उनकी तरफ, और हम अपने भगवान में लगे रहें, भगवान से प्रार्थना करते रहें, और उनके लिए शुद्ध भाव रखें, और वो अगर नहीं भी ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा, ठीक नहीं भी हो तो हम अपना मन उनसे हटा लें, वैराग लें, और भगवान से प्रेम बढ़ाएं। नेक्स्ट, भगवान जी आप बताते हैं कि किसी से भी कोई आशा ना रखें, लेकिन एक समय पर जाकर शरीर साथ नहीं देता तो अपने बच्चों से ही सेवा की उम्मीद कर लेते हैं, पर बच्चे ध्यान नहीं देते, उस समय हमारा भाव बिगड़ जाता है, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए दो चीजें हमारे पास, एक शरीर है और एक हमारा अपना स्वरूप है। तो गुरु कहते हैं कि शरीर की तो प्रारब्ध है, कुछ लोगों को तो बहुत सेवा मिलती है और कुछ लोगों को सेवा नहीं मिलती। तो अगर सेवा नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, शरीर की प्रारब्ध ऐसे ही है, जितना हमसे हो जाए। अब देखिए हम बहुत ज़्यादा बच्चों से एक्सपेक्ट ना करें, कोशिश करें कि भाई जितना हम अपने आप काम करें उतना अच्छा है, हमारा शरीर चलता रहेगा। जैसे आपको एग्जाम्पल देती हूँ, इस शरीर की मदर जो है वो 92 ईयर्स की है, अभी भी वो अपने आप उठ लेती हैं, नहा लेती हैं, अपना काम कर लेती हैं, और कोशिश करती हैं कि मैं अपना काम करती रहूं। और सुबह उठकर जब वो यहाँ आई थी, अभी एक साल पहले की बात है, तो ऐसे कहा करती थी, 92 ईयर्स की, मैं ताकतवर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत मजबूत हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। अब बताइए, देखिए उनकी पॉजिटिविटी देखिए कितनी पॉजिटिविटी है।
तो ये हमारे ऊपर है कि हम उनसे एक्सपेक्ट ना करें और उनका जितनी वो सेवा कर देते हैं उनका शुक्राना मान, और अपने अपने से पॉजिटिव रहें, शुक्राना माने। छोटी छोटी चीज़ें, भाई पानी नहीं दिया, लाइट नहीं जलाई, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, जितना हमसे हो सके उतना कर लें। अगर कोई नाश्ता बना के नहीं देता, कोई बात नहीं, एक कप दूध दीजिए, दो ब्रेड से किए, केला खा लीजिए, हो गया नाश्ता आपका। खाना नहीं बनाता, कोई दलिया डालिए, वो दलिया डालिए, भून के रख लीजिए दलिया, दाल डालिए, सब्जी डालिए, किसके लौकी डाल दीजिए, और कुछ नहीं है तो कुछ और भी होगा वो डाल दीजिए, और सीटी मार दीजिए, आपका दलिया तैयार हो गया आपके लिए। तो एक्सपेक्ट कम से कम करिए, और जहाँ तक हो सबके लिए शुद्ध भाव रखिए, सबको ब्लेस करिए। जो बड़े लोग क्या होता है, एक्सपेक्ट तो बहुत करते हैं, ब्लेस नहीं करते। तो बड़े लोगों का क्या काम है, सबको खूब आशीर्वाद दें, खुश रहो बच्चों, खुश रहो। बड़े लोग क्या आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो, आयुष्मान भव। तो हम अपनी तरफ देखें, हम कितना उम्मीद ही उम्मीद है, हम आशीर्वाद देते हैं। भगवान जी, सकारात्मक सोच और आशा में क्या अंतर है? क्योंकि ऐसा लगता है किसी चीज को लेकर हमारी सकारात्मक सोच ही हमारी आशा का कारण बन जाती है, कृपया बताएं। अच्छा, प्रश्न को फिर से पढ़ देते हैं। भगवान जी, सकारात्मक सोच और आशा यानी उम्मीद में क्या अंतर है? क्योंकि ऐसा लगता है कि किसी चीज़ को लेकर हमारी सकारात्मक सोच ही हमारी आशा का कारण बन जाती है, कृपया बताएं। तो कह रहे हैं, उम्मीद में और सकारात्मक सोच में क्या फ़र्क है? आशा, तो गुरु कहते हैं आशा तो किसी करनी नहीं चाहिए। आशम आशा परमम दुखम और निराशा परमम सुखम। तो आशा जो है वो हमें दुख देती है और निराशा हमें सुख देती है। तो निराशा मतलब ये नहीं कि मैं वो उदास मायूस होकर बैठ जाऊँ, निराशा मतलब नो एक्सपेक्टेशन। तो अब हम देखें, संसार को लेकर आशा होती है, दो विभाग कर दें, संसार के और एक भगवान के। तो आशा क्या है कि भाई हम चाहते हैं शरीर स्वस्थ रहे, घर में जैसे कहते भी हैं, पहला सुख जिसकी सुगरन काया, दूसरा सुख जिसके घर में माया, तीसरा सुख जिसका पुत्र अधिकारी, चौथा सुख जिसकी पत्नी आज्ञाकारी। तो ये चार संसार के सुख हैं, तो हम यही तो चाहते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि संसार की चीज़ों को लेकर तो हम ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, और भगवान की चीज़ों को लेकर हम भगवान से हम पूरी हो कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं भगवान को। संसार में हम यही तो कहते हैं भाई हमारी नौकरी अच्छी लग जाए, हमारे सब स्वस्थ रहे, हमारा शरीर, हमारे घर में सब बढ़िया रहे। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तू असंसारी बन, तू संसार से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कर, असंसारी बन, संसार से ज़्यादा आशा मत कर, क्योंकि संसार प्रारब्धाधीन है और परमात्मा जो है पुरुषार्थ के अधीन। संसार क्या है? प्रारब्ध के अधीन, और परमात्मा क्या है? पुरुषार्थ के अधीन। तो पुरुषार्थ हमें परमात्मा के लिए करना है, और संसार के लिए शरीर को स्वस्थ रखें, अच्छे से खाएं पिए, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, सबसे अच्छा व्यवहार रखें, किसी को दुख ना दें, भगवान को याद रखें। संसार की दो चीज़ें हमेशा याद रखिए, किसी को दुख ना दें और भगवान को हर समय याद रखें और सेवा करते रहें। ये दो तीन बातें हैं जो हमको हर समय याद रखनी है। हर समय भगवान को याद रखें, भगवान का शुक्राना माने, किसी को दुख ना दें और सेवा करते रहें। सकारात्मक सोच क्या है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, है ना, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, आई एम ओशन ऑफ लव, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं भगवान के राज में सुरक्षित हूँ, आई एम सेफ, मैं हर पल प्रसन्न रहता हूँ, आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आई एम ब्लेस्ड। ऐसे करके आप अपने लिए कुछ पॉजिटिव सेल्फ टॉक बना लीजिए, जो आप अपने से बार बार कहा करिए। ये क्या है? ये सकारात्मक सोच है। आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम ऑलवेज पॉजिटिव, आई एम ऑलवेज, माई बॉडी इज़ ऑलवेज हेल्दी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम सेफ, आई एम लव्ड, आई एम पीसफुल, आई एम पॉजिटिव। तो ये इस तरह से आप सकारात्मक सोच अपने लिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए और बार बार कहिए। सबसे बड़ी पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्या है? मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। नेक्स्ट भगवान जी। भगवान जी, अपने व्यवहार में बहुत सी कमियां दिखती हैं, सुधारना भी चाहते हैं,
पर मन कह देता है मैं जैसा भी हूँ भगवान का बच्चा हूँ, तो यह विचार आते ही अच्छा लगने लगता है और अपनी कमियां सुधारने से ध्यान हट जाता है। क्या ये बात सही है? देखिए बिल्कुल सही बात है, हमें यही कहना है कि मैं जैसा भी हूँ भगवान का हूँ, पर अपनी कमियों पे विशेष ध्यान रखना है। जैसे हम बार बार लोगों की बात काट जाते हैं, हम चाहते हैं हम एक्सरसाइज करें हम नहीं कर पाते, हम चाहते हैं हम सेवा करें हम नहीं कर पाते। तो जैसे आई शुड, ये होता है ना मुझे ये करना चाहिए, तो फिर उस चीज़ को करें ना, अपनी गलतियों पे विशेष ध्यान रखें। जैसे एक एग्जांपल है, हमारे पति को बहुत गर्म चाय पसंद है, हम हमेशा ठंडी दे देते, तो नाराज़ होंगे ना। तो ऐसी हम बहुत सी छोटी छोटी गलतियाँ हम करते रहते हैं। तो अपने हमें जैसा भी हूँ, ये बात बिल्कुल सही है, मैं जैसा हूँ भगवान आपका हूँ, पर जो कमियाँ हैं वो तो हमें अंत समय तक सुधारना है। गीता भगवान ने कहा कि आप मेरी कमी बताओ, मैं अभी अपने को सुधारने को तैयार हूँ। मैं भी आज कहती हूँ मेरी कमी बताओ, मैं अपने को सुधारने को तैयार हूँ। आई एम विलिंग टू चेंज, हम सब लोग अपनी गर्दन पे हाथ रख के कहें आई एम विलिंग टू चेंज, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। तो ये नहीं हम कह सकते मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, ठीक है, हम भगवान के सामने तो यही कहेंगे भगवान जैसा भी हूँ मैं ठीक हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ। माँ अपने बच्चे को जैसा भी एक्सपेक्ट करती है ना, पर उसको बराबर ग्रूम करती रहती है, बताती रहती है, उसको और बेटर बनाती जाती है। तो हमारे स्वभाव में जो कमी है वो स्वभाव तो हमारा जन्मों जन्मों साथ चलेगा, तो उस स्वभाव को तो हमें बराबर सुधारते जाना है ना। ऐसा नहीं कि जैसे भी हम ठीक है, हमारे स्वभाव में बहुत कमियां हैं, हम दूसरों के दोष देख जाते हैं, हम दूसरों के लिए गलत भाव रख जाते हैं, हम थोड़े आलसी हो जाते हैं, तो इस स्वभाव को सुधारते जाना चाहिए। ये प्रश्न है, गुरु भगवान जी आप बताते हैं कि भगवान और मृत्यु को सदा याद रखें, जब हर समय मृत्यु को याद रखते हैं तो एक उदासी सी बनी रहती है, ऐसा लगता है कि प्रेजेंट मोमेंट को भी अच्छे से नहीं जी पाते, रोना आता है, अच्छे इंसान भी नहीं बन पाए और गुरुजी तो हमें भक्त बना रहे हैं, बहुत अहंकार फील होता है। अब देखिए ये बात, इसमें कई सारे प्रश्न आ गए। पहली बात तो ये हमको बताते हैं कि भगवान और मृत्यु को हमेशा याद रखना चाहिए। तो गुरु कहते हैं मृत्यु तो हर पल हो रही है। देखिए हम लोग ने जब सत्संग सुनना शुरू करा तब से अब तक करीब करीब आधा पौन घंटा निकल गया, तो ये पौन घंटे हमारी आयु कम हो गई नहीं, बोलिए हो गई ना। तो एक एक दिन बीत रहा है तो हमारी आयु कम होती जा रही, तो मृत्यु तो हर पल हो रही है। मृत्यु तो कैसे मृत्यु को याद रखें, मृत्यु हर पल हो रही है। जैसे एक नदी का भाव जो है बह रहा है, ऐसी हमारी आयु भी बह रही है, इसलिए समय की बहुत कीमत करनी चाहिए। एवरी डे वेस्टेड विदाउट गॉड रियलाइजेशन इज अ डे टू बी अशेम्ड ऑफ। हर मोमेंट जो हम भगवान को याद किए बिना बिताते हैं तो वो सब हमें उसके लिए शर्मिंदा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है मृत्यु एक दिन आएगी, मृत्यु हर पल हो रही है। तो इसलिए जब हम मृत्यु को याद रखते हैं तो उदासी बनी रहती है, उदास बनने की कोई कारण नहीं है इसमें, तो हमें अलर्ट और अवेक होना है। हाँ तो हमें भगवान को हर पल याद रखना है ना, हमें भगवान को हर पल याद रखना है, उसमें उदास होने की कोई बात नहीं। मछलियों वाला दृष्टांत है ना, तो गुरु बताते हैं कि दो मछलियाँ थी, तो दोनों समुद्र के किनारे रहती थी, उस दोनों के मन में आया कि भैया हम भी ये शहर देखें, तो दोनों ने, एक देवदूत था उससे कहा भी हमें भी शहर दिखा दो। तो एक ने तो खूब अपना अच्छे से सबकी सेवा करी, भगवान को याद रखा, खूब इंजॉय किया, खूब वो किया, और एक जो थी वो सामान चीज़ों को बनाने में अपना लग गई। दूसरी ने कहा भैया समय हो गया, 3 घंटे का हमें टाइम मिला था, अब चलो वापस, मैं तो अपना खूब भगवान को याद किया, सबकी हेल्प करी, सबकी सेवा करी, खूब इंजॉय किया, अब मैं तो वापस चलने को तैयार हूँ। दूसरी ने कहा देखो मैंने इतना बड़ा घर बना लिया, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, पूरे 3 घंटे में तूने इतना सब कर लिया, बोला तू चल, बोला नहीं, उन्होंने कहा था ना कुछ भी मांग सकते हो, तो मैं मांगता हूँ, मैं मरूँ नहीं, और भैया मृत्यु तो आएगी, डेथ इज इनएविटेबल, वो तो आएगी अवश्य आएगी, और जैसे बताया हर पल मर रहे हैं। तो इसमें अलर्ट अवेक रहना है और सावधान रहना है, इसमें मृत्यु से डरना नहीं है। अच्छा प्रेजेंट मोमेंट को भी अच्छे से नहीं जी पाते, प्रेजेंट मोमेंट को कब अच्छे से जी पाएंगे, जब हमको एक एक समय की कीमत होगी।
पास्ट का नहीं सोचेंगे, फ्यूचर का नहीं सोचेंगे, और भाई क्या करना, दो काम हमें, तीन काम करने हैं हमको, याद रखना है भाई तीन काम करने। पहला काम भगवान को याद रखना है, दूसरा काम सबकी सेवा करनी है, और तीसरा काम किसी के लिए गलत भाव नहीं रखना, किसी को दुख नहीं देना। तो ये हम अच्छे से नहीं जी पाते, तो प्रेजेंट मोमेंट में और पास्ट और फ्यूचर की नहीं सोचना, जो है इस पल में रहना है। पास्ट की हम, और पास्ट की अगर मन में बात आए भी तो उसका शुक्राना माने और अच्छी बातों को याद करें, खराब को नहीं। अच्छे इंसान नहीं बन पाए, इन्होंने लिखा अच्छे इंसान नहीं बन पाए, अच्छे इंसान आपको बता दिया, आप ये तीन बातें याद रखिए तो अच्छे इंसान बनेंगे। बहुत अहंकार फील होता है, गुरु कहते हैं अगर हम देखें अपने शरीर को तो कुछ भी नहीं है, आदमी एकदम ही, एक सांस आई एक नहीं आई खत्म, इतना ही खेल है हमारा, क्या अहंकार करें, क्या अहंकार करें। तो गुरु भगवान तो कहते हैं कि मैं तो भगवान के चरणों की धूल हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तृणादपि सुनिचेन तरुणपि सहशुन अमान मान देही कृप कीर्तनिया सदा श्री हरि। मतलब भगवान, मैं तो एक तिनके से भी छोटा हूँ, तिनका भी मुझसे बड़ा है, और हे भगवान मैं वृक्ष के समान सहन करूँ और सदा भगवान का कीर्तन करूँ और सबको मान दूँ और मान की खुद इच्छा ना करूँ। तो आप अपने को कुछ नहीं समझना है, कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं हूँ, एक सांस आई एक नहीं आई खत्म, समझना इतना ही याद रखना है कि मेरी जो अस्तित्व है वो भगवान से है। प्रश्न है गुरु मां, ब्रह्म मुहूर्त में नींद तो खुल जाती है पर संसार के ख्याल बहुत चलते हैं, कैसे ऊपर उठे। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त में नींद तो खुल जाती है पर संसार के ख्याल बहुत चलते हैं, कोई बात नहीं, चलने दीजिए, आप भजन करते रहिए, आप भजन करते रहिए, संसार के ख्याल चलने दीजिए, ध्यान मत दीजिए, और कुछ पढ़ लीजिए पहले, सत्संग करने से पहले या भजन करने से पहले पहले गुरु की वाणी सुन लीजिए, भजन सुन लीजिए, मेरे नाथ मेरे प्रभु या हे नाथ आपको भूलूं नहीं पढ़ लीजिए, थोड़ी देर कपालभाति कर लीजिए, तो आपका मन खाली हो जाएगा, और फिर उसके बाद थोड़ी देर अनुलोम विलोम करिए और फिर वो जप करना शुरू करिए, और अगर ज्यादा मन चल रहा है तो टहल टहल कर जप करें। हमारा संसार पर बेस्ड है, हम उदार चित कैसे बने, हमारी ना देने की आदत कैसे छूटे। हाँ, ये तो कोई पूछता ही नहीं है प्रश्न, हमारा सत्संग निष्कामता पे बेस्ड है। अम्मा जी सबसे कहते थे संकल्प करो कि मेरा जीवन निष्काम ही बने, करते हैं हम सब संकल्प, बहुत सी चीजें कहते हैं परिस्थिति आ गई, ये हो गया वो हो गया, पर कोई संकल्प करता है मेरा जीवन निष्काम ही बने, मेरा जीवन भी गुरु की तरह, अम्मा जी की तरह, दादा भगवान गीता भगवान की तरह, सबके हित के लिए हो, मेरा जीवन भजन के लिए हो, मेरा मेरे अंदर सेवा भाव हो, सबके हित के लिए मेरा जीवन हो, गुरु को कितना है सबका हित हो। तो ये जो हमारी कंजूसी की नेचर, देखिए कंजूसी का जो स्वभाव है, ये अगर इस जन्म में हमारा कंजूसी का स्वभाव होगा तो अगले जन्म में भी होगा, तो ये कंजूसी का स्वभाव जो है जन्मों जन्मों जाएगा। तो गुरु कहते हैं बाय वन गिव वन, देने की आदत बनाए। बहुत से लोग आते हैं मिठाई का डब्बा आता है रख लेते हैं घर में, देते ही नहीं, जब वो सड़ जाता है तब कहते हैं अब किसी को दे देते हैं। तो खराब चीज़ तो किसी को देनी ही नहीं है, बढ़िया से बढ़िया चीज़ देनी, तो देने की आदत बनाए। और ऐसा नहीं खाली चीज़ों से हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं, मन से सबके लिए शुद्ध भाव रख के, मन से ब्लेसिंग्स भेजकर, हर तरह से, और तन से मन से धन से, हे नाथ मेरा पूरा जीवन, मेरा तन मन धन सबके लिए हो, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरा तन मन धन सबके लिए हो। बार बार ऐसा संकल्प करिए, बार बार ऐसा भाव रखिए कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, भगवान मेरी सब इच्छाएं, मेरी मेरे मन में कोई इच्छा ना रहे, बस मेरे से सेवा होती रहे, सबका हित होता रहे और भजन होता, कोई भी चीज़ है हमारे पास झट दे दें लेने। मतलब जो जो संत होते हैं उनका देना भी देना होता है, उनका लेना भी देने के लिए होता है, वो जो उनके पास जो आता है वो भी देने के लिए होता है, और संसार में लेना भी लेने के लिए होता है और देना भी लेने के लिए होता है। देते इसलिए हैं भी, लोग क्यों देते हैं, दान क्यों करते हैं, कि भी हमारी बीमारी जाए, हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए,
तो दे किस लिए भाई, आप ये कह सकते हैं भाई इसलिए हम दान कर रहे हैं, हमारा भजन बढ़े, हमारा भगवान से प्रेम बढ़े, संसारी इच्छा मत रखिए। तो उदार चित्त निष्कामी कि सबका हित हो, जो चीज़ हमें एक हमारे घर में मिठाई का डब्बा आता है तो हम चाहते हैं सब खाएं, ऐसी संसार वासुदेव कुटुंबकम है तो इसमें सबका हित होना चाहिए। तो आज हम भी संकल्प, हम सब संकल्प करें कि हमारा जीवन निष्कामी बने, हमारा जीवन निष्कामी बने, हम भगवान को सदा याद रखें, गुरु का खूब शुक्राना माने। नेक्स्ट, श्रद्धा और विश्वास में क्या अंतर है? विश्वास तो हम डॉक्टर पे भी करते हैं, वो कोई मेडिसिन दे देता है तो हम उसको जाके वहाँ पे टेस्ट कराते हैं केमिकल लैब में, डॉक्टर पे विश्वास करके दवाई खाते हैं ना, कोई भी सूट खरीद के लाते हैं तो विश्वास करते हैं ना ये ठीक होगा, रेलगाड़ी में बैठते हैं तो विश्वास करते हैं ना ये हमें मारेगा नहीं, हमें पहुँचा देगा, विश्वास करते हैं ना बस में पहुँचते बैठते हैं कि हमें गंतव्य स्थान पर पहुँचा देगा, विश्वास करते हैं ना। और श्रद्धा क्या है कि जैसे गुरु भगवान ने बताया तो ये तो हमारे, ये किसकी फ़ोटो भी हमारे गुरु हैं, तो इसमें श्रद्धा करेंगे विश्वास करेंगे, श्रद्धा करेंगे हमारे गुरु हैं और विश्वास भी करेंगे, भगवान के लिए श्रद्धा भी चाहिए और विश्वास भी चाहिए, गुरु के लिए श्रद्धा चाहिए, ये श्रद्धा होगी तभी तो गुरु को मानेंगे कि मेरे गुरु हैं। तो संसार में हम विश्वास करते हैं, अपने गुरु के लिए हम श्रद्धा करते हैं और भगवान के लिए श्रद्धा और विश्वास तीनों करते हैं। तो श्रद्धा और विश्वास होने से ही भगवान ने कहा मनुष्य जो है वो श्रद्धा में है, जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसा ही वो व्यक्ति बनता है। श्रद्धावान लपते ज्ञानम अश्रद्धालु नाश जान, तो श्रद्धा होती है तभी हम मतलब हमारे जीवन में हमारी उन्नति होती है। दोष दृष्टि, भगवान ने कहा हे अर्जुन दोष दृष्टि रहित मुझे प्यारा है, दोष दृष्टि रहित भक्त, तो दोष दृष्टि वाले को तो कुछ नहीं मिलता है, वो तो दोष ही देखता रह जाता है, और जो श्रद्धावान होता है जो किसी में दोष नहीं देखता वो बहुत उन्नति कर जाता है। तो श्रद्धा क्या है? श्रद्धा यही है कि मतलब जैसे अभी हमने समझा, और दोष दृष्टि का ना होना, बिल्कुल हमारी गुरु में अपने बड़ों में कहीं भी दोष दृष्टि ना हो। चलिए हमारा आज का सत्संग पूरा होता है, आप सभी के बहुत शुक्राने हैं, हमारी टीम जो इतनी सेवा कर रही है आप लोगों को सबको, सब लोग जो ज्वाइन करा रहे हैं उन सबके बहुत बहुत शुक्राने हैं।